और चलिए बांग्लादेश को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें बांग्लादेश के लिए आज से एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। कल एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को रोका था, लेकिन आज से एक बार फिर ये सेवा बहाल की गई। दिल्ली से ढाका के लिए विमान सेवा बहाल कर दी गई है। बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। तख्तापलट के बाद विमान सेवा को रोका गया था एहतियातन तौर पर, लेकिन अब विमान से जो भी यात्रा करने वाले यात्री उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ये जो विमान सेवा उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और आज बांग्लादेश से एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी। और चलिए बांग्लादेश को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें बांग्लादेश के लिए आज से एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। कल एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को रोका था, लेकिन आज से एक बार फिर ये सेवा बहाल की गई। दिल्ली से ढाका के लिए विमान सेवा बहाल कर दी गई है। बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। तख्तापलट के बाद विमान सेवा को रोका गया था एहतियातन तौर पर, लेकिन अब विमान से जो भी यात्रा करने वाले यात्री उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ये जो विमान सेवा उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और आज बांग्लादेश से एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी। और चलिए बांग्लादेश को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें बांग्लादेश के लिए आज से एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। कल एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को रोका था, लेकिन आज से एक बार फिर ये सेवा बहाल की गई। दिल्ली से ढाका के लिए विमान सेवा बहाल कर दी गई है। बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। तख्तापलट के बाद विमान सेवा को रोका गया था एहतियातन तौर पर, लेकिन अब विमान से जो भी यात्रा करने वाले यात्री उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ये जो विमान सेवा उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और आज बांग्लादेश से एयर इंडिया की फ्लाइट